राधा स्वामी फिरत फिरत प्रभु आया परे आ तो सरनाए फिरत फिरत प्रभु आया परे आ तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए माज महला पंजवा कार चौथा बारह माह एकमकार सतगुर प्रसाद कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग परमेश्वर ते पुल्यां व्यापन सबे रोग परमेश्वर ते पुल्यां व्यापन सबे रोग आज 17 अक्तूबर 2022 सोमवार का दिन कत्तक दे महीने की आमद हो रही है कत्तक दे महीने की संगरांद है सब संगतां नूं गुरु दरबार वालों बहुत बहुत वधाई होवे सच्चे पातशाह अगे फरियाद है बेनती है जोधड़ी है सब संगतां नूं शरीरक तौर पर मानसिक तौर पर आर्थिक तौर पर तंदुरुस्तियां बख्शे ताकि हर तरह के नाल जीव जड़ा है महाराज की सेवा विच हाजिर हो सके क्योंकि जे शरीर तंदुरुस्त नहीं पैसा भी बहुत है मन भी ठीक है पर मन ठीक नहीं हो सकता क्योंकि एक मन जड़ा है वह तंदुरुस्त शरीर के अंदर ही तंदुरुस्त मन का निवास हो सकता है पैसा भी जिन्ना मर्जी होवे वह भी कड़वा लगन लग जाएगा क्योंकि शरीर तंदुरुस्त नहीं इस करके सब तो पहली मंग गुरु महाराज के अगे यो ही है वैसे तो मंग मंगन की लड़ नहीं बिन बोलिया सब कुछ जानता किस अगे किचे अरदास जी हो सब कुछ जानता है कि इनू पहला तंदुरुस्ती चाहिए है फिर मन तंदुरुस्त चाहिए है फिर इनू पैसा भी चाहिए है वह सब कुछ दे देता है पर साड़ी नीयत साफ होनी चाहिए है नीयत च खोट नहीं होना चाहिए देनू तैयार बैठा है वह सो मेरी अरदास है गुरु महाराज अगे सच्चे पातशाह सब संगत झोलियां खुशियां दे नाल तंदुरुस्तियां दे नाल मानसिक तंदुरुस्तियां दे नाल भरपूर कर देन दया मेहर करन सच्चे पातशाह सो पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी अज अपनी बाणी दे अंदर फरमान कर रहे ने कत्तक कर्म कमावने दोष न काहू जोग कत्तक दा महीना जड़ा है वह कर्म कमाउण दा महीना यह दस्या जांदा है जो कत्तक शुरू हुंदा है अज तो हो गया या कई लोग पुन्या तो शुरू कर लैंदे ने उहदे मुताबक इशनान करना गंगा जी दे विच इशनान करना या जिथे भी उन्हां नूं सौखा लगता है ठंडे पानी दे नाल इशनान करके उस तो बाद अपनी पाठ पूजा दे विच जुड़ जांदे हन जदों के संतां ने इस गल नूं स्वीकार नहीं किया क्योंकि जिहड़ा कर्म है वह साडा अपना कमाया होया है किसी नूं दोष नहीं देना जो कुछ भी हो रहा है चंगा हो रहा है मंदा हो रहा है वह साडे अपने कर्मां दा हो रहा है इहदे च किसी का कोई दोष नहीं ददा दोष न देव किसे दोष कर्मां अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजे अवरजना असी कसूर किसी का नहीं हुंदा बीमार आप हो गए दूजे नूं दोष देता कि तू मैनूं गलत खाना बना के दिता है तां मैं बीमार होया या
होर कोई दोष जिहड़ा है उहदे सिर मढ़ देना, पर नहीं, दोष अपने कर्मां दा है। जो कर्म तू कीते सन उन्हां कर्मां दे कारण ही तू दोषी है, इस करके ही तू मालक तो दूर हो गया। तेरा कोई ना कोई इस तरह का बहाना बन गया कि तू मालक की हाजिरी लाने तो असफल हो जाता है, क्योंकि इहदे मन च इक गलत भाव आ जाता है कि मैनू दूजे ने ही गलत किया है। जदों असी दूजे बारे वेखते हाँ उदों असी आप ही गलत होंने, क्योंकि दूजे नू दोष देन दा कोई प्रयोजन नहीं, उदों नाल साडी कोई समस्या हल नहीं होनी। जे उही दोष नू असी अपना दोष समझ के सुधार लईए तां हो सकता है साडा जीवन सफल हो जाए, असी सुधर जाइए, लेकिन असी हमेशा दूजे नू ही दोष दिंदे आ कि सामने गलास लई आउंदी लड़की जिहड़ी है उहदे थोड़ा जिहा किसे नाल टकराव होया, गलास नू कोई ठोकर भी नहीं लगी पर गलास डर दे मारे हथों डिग पिया, तो दूजे नू गालां कढ़न लग जांदी है कि तू मेरा गलास डुगा दा, मेरा डिगना नहीं सी गलास। सो यह है दोष दूजे नू दे देना छोटी जिनी गल पिछे। सो गुरु महाराज फरमाउंदे ने कि किसे नू भी दोष ना दे, क्योंकि कर्म जिहड़ा है वह तेरा अपना किया है। नौवें पातशाह बड़ा सुंदर गुरबाणी दे अंदर विचार दिंदे हन, प्राणी कौन उपाओ करे, प्राणी कौन उपाओ करे, जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरे, जम को त्रास हरे, प्राणी कौन उपाओ करे। ए प्राणी तू केड़ा उपा करेगा जिदे नाल तू मालक दी भगती भी पा लवें ते यम दा डर जिहड़ा है वह तेरे हिरदे चो चला जावे। ये दो गल्लां सानू हमेशा डराउंदियां, एक मालक दी भगती नहीं हो रही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਯਮ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਮ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਵੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯਮ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਮ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਮ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ ਵੀ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਾਂ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਵਿੱਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦੇ, ਦੋਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਸਵਰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਰਕ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕੌਣ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ। ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ, ਕਰਮ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਰਮ ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰਈ, ਕੌਣ ਨਾਮ, ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੇ, ਪਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ,
ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ, ਕਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਮ ਦਾ ਤ੍ਰਾਸ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਢਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਢਾਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰੇ। ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੋ ਤਰੇ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਜਾਹੇ ਜਪੈ ਗਤ ਪਾਵੇ। ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਤਯੁੱਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ। ਕਲੀ ਜੋ ਸਤਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੱਤ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਯੁੱਗ ਸੱਤ ਦੇ, ਸਤਯੁੱਗ ਸੱਤ ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੀ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ਅਤੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਗ ਤਿੰਨੋਂ ਦ੍ਰਿੜੇ ਕਲੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਤਿੰਨੋਂ ਯੁੱਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਰਪੱਖ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਯੁੱਗ 'ਚ ਸੱਤ ਬੋਲੋ, ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਯੱਗ ਕਰੋ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਲੀ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਬੋਰੇ, ਮੋਸੋ ਕੋ ਨਾ ਕਹੇ ਸਮਝਾਏ, ਜਾ ਤੇ ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟਾਏ ਬਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਬੋਰੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਤਯੁਗ ਬੀਤਿਆ, ਸਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਕੀਤੇ, ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਯੱਗ ਕੀਤੇ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਸਿਮਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਏ ਬੋਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਈ ਬੋਰੇ, ਮੋਸੋ ਕੋ ਨਾ ਕਹੇ ਸਮਝਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਵਾਗਮਨ ਬਿਲਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਵਿਧ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀਐ ਕਰਤਾ ਦਿਸੈ ਸਭ ਲੋਇ, ਬਹੁਵਿਧ ਧਰਮ ਨਿਰੂਪੀਐ ਕਰਤਾ ਦਿਸੈ ਸਭ ਲੋਇ, ਕਵਨ ਕਰਮ ਤੇ ਛੂਟੀਏ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਭ ਸਿੱਧੀ ਹੋਏ, ਕਪਾਰ ਕੈਸੇ ਪਾਈ ਬੋਰੇ, ਮੋਸੋ ਕੋ ਨਾ ਕਹੇ ਸਮਝਾਏ, ਜਾ ਤੇ ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟਾਏ, ਜਾ ਤੇ ਆਵਾ ਗਵਨ ਬਿਲਾਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਦੇ ਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਦੇ ਤਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,
कि मैं भुखा रह लैंना अज मैं अपनी रोटी किसी होर नू दे दिना, यह तो संभव ही नहीं है। ये तो असी गल नू संभाल ही नहीं सकते कि दूजे नू भुखा वेख के अपनी रोटी चक के दे दईए। फिर किहड़ा दान कीता तुसीं? दान वह है जिहड़ा अपनी भुख नू मार के दूजे की भुख नू तृप्त करना चाहुंदा है, अपने कपड़े अपने पहरावा नंगेज धारण करके जिहड़ा दूजे नू कपड़ा दे सकता है वह जिहड़ा व्यक्ति है वह सही मानिया दे विच दान कर सकता है। पर यह दान का कितना क प्रभाव है, किसी ने एक तंद दान की वो दिया करोड़ा तंदा जड़िया ने हो सकता है दान हो जान उदे च वर्तियां जान। मैनू छोटे हुंदियां दी अपनी आप परिवारक गल याद है, वैसे नहीं होनी चाहिए यह, पर कोई गल किसी दे पल्ले पै जाए तो मैनू लगता इस तो वधिया होर गल नहीं हो सकती। सो वह है कि ताया जी साढ़े इस तरह के सन सुभा दे कि जो वह कित भी जाते सन तीर्थ यात्रा पर या कि भी तो वह यह हों कि मैं कुछ दान करा। रस्ते दे विच गड्डी च जा रहे सन, एक साधु कम रहा सी, कोई कपड़ा नहीं सी उन्हां कोल, उन्हां नहीं पता ये सच्चा है कि झूठा है। उन्हां नूं तरस आया, उन्होंने एको ही कमीज़ खद्दर का पाया होया सी, उन्होंने अपना कमीज़ उतारिया तो उन्हूं दे दिता। मेरे बचपन की गल है, छोटे हुंदियां दी, उन्होंने वो खद्दर का कमीज़ उतार के उन्हूं दे दिता तो आप बुढ़लाडा रेलवे स्टेशन से उस तरह नंग तड़ंगे उतर गए। हुण दुनिया सब उन्होंने जानती सी, शहर के वसनीक सब जानते सन, तो कह लगे रुलदू सिंह की हो गया तुहानू कपड़े लीड़े कित्थे दे आए? वो कहिंदे कोई फकीर जांदा सी ते उन्हूं मैं झग्गा ला के देता, उन्हूं ठंड लगती सी मैं तो घरे ही आ जाना सीगा। तो तुसीं देखो मेरे वेखद्या वेखद्या दी गल आ, उन्हां दी हालात जिहड़े सन वो उदों सब दे ही सन, उन्हां दे कल्लियां दे नहीं। उदों साडा देश आजाद होया होया सी, इन्नी कु गरीबी साडे देश दे अंदर सी कि कह सकन तो परे दी गल है, लेकिन उस गरीबी दे अंदर साडे लोकां दे दिल जिहड़े सन वह बड़े अमीर सन। तो इस करके गरीबी वाली गल जे मैं उन्हां ते कहां तां इह वी नहीं, गरीब सारा ही देश बहुत गरीब सी, तां उन्हां ने वो अपनी गरीबी दी कोई वास्ता नहीं पाया तो उन्हूं दान करिया दे आए उन्हूं, तो वह कहन लगे कोई गल नहीं गरीब तो हाँ भी सन, कारोबार कोई नहीं सी, लेकिन दिनों दे विच उन्हां दियां दुकानां कपड़े दियां बजाजी दियां दुकानां हो गई, कपड़े बाहर जाते सन ले आते सन, जिन्हें भी लड़के सन सब ने वड्डे तो वड्डा कारोबार किया। तो उन्हां कोल एक दिन ऐसा आया कि करोड़ा रुपया गिनन वास्ते बड़े लंबे समय की लोड़ सी, करोड़ा रुपया हर बच्चे दे हाथ च सी, मतलब है कि वह तंदा वह जड़िया कपड़े दियाँ तंदा सन। मैं कई बार सोचती हाँ उदों भी मेरी थोड़ी बहुत जो बुद्धि कोई काम करती सी तो मैं ये सोचा करती सी कि एक एक तंद जड़ी है वह अरबा खरबा तंदा के समान हो गई, क्योंकि मानसिक तौर पर बंदा प्रपेयर नहीं, पर वेखद्या हालात वह प्रपेयर हो गया, वह कहना भी चक मैं देता। सो यह है दान, जे कितने दिता जाए उन्हें की किया, सिर्फ आही युग सुधारिया, सिर्फ आही जन्म सुधारिया, अगला जन्म नहीं। पार कैसे पाए बोरे मोसो को ना कह समझाए, कहने मैं पार किमें होवांगा मैं इस गल बारे कोई नहीं समझा रहा, यह तो मैं दसता कि दान करो। दान मैं करता, बड़ा पैसा मिल गया, बड़ा कुछ मैं मिल गया, लेकिन अगला वो अजे मैं पता नहीं। सो संतां ने अगली गल की है, इस जन्म की गल नहीं की। नौवे पातशाह भी यो ही फरमा रहे ने, कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावे। कहिंदे कलयुग दे विच इक्को ही कृपा निधि परमेश्वर दा नाम है जिन्हों जपन दे नाल तेरी गति हो सकती है, जाहे जपै गत पावे और तरम ताके सामना हिन ये विधि वेद बतावे। होर कोई भी धर्म उहदे बराबर नहीं, यह विधि वेदा ने दसी है, यह विधि शास्त्र की दसी हुई है, मेरी कोई अपनी गल नहीं। नौवें पातशाह कहिंदे ने यह विधि वेद बतावे
कि जे तू पार होना है तो मालक दा नाम जप, उस नाम नू जप के ही तू पार हो सकना है। कौन नाम गुर जाके सिमरे पव सागर कुतरे, वड्डे तो वड्डा नाम केड़ा है। कल मैं एक नाम कृपा निधि जाहे जप्त गत पावे, और धर्म ताके समनाहिन ये विधि भेद बतावे। और कोई भी धर्म ओहदे बराबर नहीं। ये विधि ये जिहड़ी तरीका है ये शास्त्र ने दस्या है, ये वेद ने दस्या है। सो इस उन्होंने समझाई है गल, पर पकड़ता कौन है? कोई विरला ही पकड़ता। उन्होंने जे हुण असी रविदास जी नूं कहीए कोई तन ते कपड़ा नहीं, लीरां हन कोई परवाह नहीं, जुत्ती है नहीं कोई परवाह नहीं, कोई दे गया पैसा दे गया, मंगना ही नहीं कोई गल नहीं। बाप बड़ा अमीर सी, रविदास भगत जी के पिता जी बड़े अमीर सन, बहुत चंगे व्यापारी सन, चमार का काम सी, चमड़े का काम सी, बहुत दूर दूर तक उन्होंने व्यापार सी। लेकिन उन्होंने अपने बच्चे नू ना मना सके, अपने कारोबार च ना ला सके, औखे हो के दुखी हो के उन्होंने अपने नालों अलहदा कर दिता कि तू कमा तो खा, तू मेरे काम का नहीं। वह होर भी चा चढ़ गया कि हुण मेरे च दखल अंदाजी नहीं रही। उहदी पत्नी उहदा विआह भी कर दिता, पत्नी भी उहदी पतिव्रता सी कि जिवें पति देव कहणगे मैं उवें करना है, उहनां तों बाहर बिल्कुल भी नहीं सी। सो इस तरह रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी के अपना गुजारा करते रहे। इस तरह भगत रविदास जी एक नाम सिमरन दे विच जुड़े रहे, जिहड़े कुन्ना दे पाणी दे विचों ही सब कुछ प्राप्त करदे सन। कुन्ना दा पानी जिहड़ा उन्हां दे कोल सी, देखो हुण एक वारी बड़े वारी सुनी होनी है कथा तुसी, भगत पीपा जी आए, उन्होंने सुनिया कि भगत रविदास जी बड़े ही उच्च कोटि दे महात्मा हन, क्यों ना उन्हां तों नाम लिया जावे। हुण नाम लैणा यह भी एक बड़ी दलेरी दी गल है। वह गए वेख्या, उन्होंने कहा भी भगत जी मेरे को एक राजा जिहड़ा है वह नाम लैन वास्ते आया, कुछ लैन वास्ते आया, चलो अज इहनू खाली नहीं मोड़ना, मैं तो रोज़ ही ये अमृत जल छकदा हाँ, अज भगत जी नूं छकावांगे। बड़े खुश जदों बैठे, उन्होंने कुन्ना दा पानी चक्किया ते उन्होंने कहा कि लो पियो। फटाफट भगत पीपा जी ने जो बुक सी वह कर लिया। हुण उहनू पींदिया संकोच आया कि कुन्ना दा पानी है, इहदे च चमड़ा भी धोता होया, इहदे च होर भी हाथ पैर लगे हुए हैं, मैं किवें पीवां। तां उन्होंने संकोच दे नाल पानी पीण की कोशिश की, लेकिन बाहवां दे विच दी सारा पानी वगा दिता, मूँह नूं एक तुक्का जिहड़ा पानी दा वी लगन नहीं दिता। उठ के चले गए कि ओह अज तां मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया सी। किहड़ा धर्म, किहड़े धर्म की गल करदे भगत पीपा जी, अज तां मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया सी, अज मैं बच गया, बड़ा बच गया, ये कहिंदा तुरिया जा रहा। फिर वह सोचदा कि हुण मैं किवें करां। उहने फटाफट कमीज़ उतारिया, धोबी नूं दे दिता। धोबी नूं कहा भी मेरे कमीज़ दीआं जिहड़ियां दाग ने चंगी तरह उतार दे। धोबी ने कोशिश की थी, उन्हें कहा भी अपनी लड़की नूं बुलाया, छोटी जी सी उम्र दी, वो कहन लग्या पुत्र तू पहला इन्हां नूं चूस लै इन्हां दागां नूं, उस तो बाद मैं मसाला पा के धो देंगा। वह जो चूसन लगी, वह चूसदी गई तो उहदी सुरत जिहड़ी आ खुलदी गई, वह रब घर दीआं गल्लां करनियां शुरू करतीआं। सारे शहर च रौला पै गया कि धोबी की लड़की तो ज्ञानन ध्यानन बन गई है, पता नहीं की जादू फेरिया अज उन्होंने। तो वह लोग उहदे कोल देखण वास्ते आए, बहुत उच्चियां गल्लां करन लग गई। तो इस तरह भगत पीपा जी भी जोड़े जुड़े ला के हाथ बन के जो उस लड़की नूं मिलन गए, वह लड़की खड़ी हो गई। वह कहिंदे भगत पीपा जी कहन लगे, पुत्र तू क्यों खड़ी हुई है, तू बह जा आराम नाल, मैं तो तेरे दर्शन करन आया। कहिंदी नहीं राजा जी, जो कुछ मैनू प्राप्त होया है वह तेरे कमीज़ दे विचों ही प्राप्त होया, वह तेरे कमीज़ दे उत्ते जिहड़े दाग सन उन्हां नू चूसन दे नाल ही मेरी यह जिहड़ी बुद्धि है वह खिड़ी है, इस करके मैं तेरा सत्कार करदी हाँ, सन्मान करदी हाँ, मैं खड़ी हुंदी हाँ। राजा बड़ा हैरान होया कि तो मैं बहुत बहुत माड़ा काम कर दिता, हुण किवें करां। फिर वह सोचदा एक दिन मैं फिर जावांगा भगत रविदास कोल, फिर जावांगा। वेख्या एक पुरब सीगा, उहदे विच सारे लोग गंगा जी दे इशनान करन वास्ते गए हुए सन, लगभग सारा पिंड जिहड़ा सी ओह खाली हो गया सी, जां भगत पीपा जी घर सन ते जां भगत रविदास जी घर सन। उन्होंने सोचिया कि अज मैं जाके अपने अमृत की प्राप्ति करांगा। जिस वेले ओह गए
तो भगत रविदास जी नूं कहन लगे, हे महाराज, उदन वाला अमृत जिहड़ा है मैनूं अज फिर सिखा दिओ। कहिंदे नहीं भगत पीपा जी, तुसीं उहदी कदर नहीं जाणी, उह तुसीं कीमत पाई नहीं, अज उह तुहानूं जल नहीं मिलेगा। अज तुहानूं जरूर छकावांगे, पर वह नहीं जिहड़ा बनिया बनाया अमृत सी, वह तुहानूं मिल जाएगा। हुण तुहानूं अमृत छकाया जाएगा, लेकिन मेहनत करनी पएगी, कमाई करनी पएगी, फिर तुहानूं पता लगेगा यह अमृत की है। फिर उन्हें नमस्कार की, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ तुसीं मैनूं दे सकदे हो दे दो, मैनूं वेला हथ नहीं आउंदा, मैनूं पश्चाताप इहो ही है कि मैं वेला गुआ बैठा। सो इस तरह जो भगत हैं उन्होंने अपना जीवन सुधार के सानू दसिया है कि रब का नाम की चीज़ है। भगत रविदास जी ने मालक के नाम की उपमा की है कि उहदा नाम जिहड़ा है वह सब तीन लोगों तो माया की माया तो परे है। तीन लोगों की माया उहदे अगे कख भी नहीं जिथे मालक का नाम है। सो इस करके वह कहिंदे ने कली मैं एक नाम, कृपा निधि जाहे जपै गत पावे, और तर्म ताके समनाहिन, ये विधि वेद बतावे। सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गोसाई। कहने वो की है, सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, जाको कहत गोसाई। वो सुखा दुखा तो परे है, सुखा दुखा च साडा शरीर आउंदा है। जदों ज़्यादा दर्द करदा है असीं चीकां भी मारदे हां, जदों ज़्यादा आराम महसूस करदा वो नींद भी आ जाती है। ये सुख दुख का है, लेकिन उहदा नाम सुख दुख रहत सदा निर्लेपी, वह निर्लेप है, सुख दुख तो परे है। जा को कहत गोसाई, वह धरती का मालक है, गोसाई है, वह धरती का मालक है, बनाने वाला है। सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याई, नानक दर्पण न्याई, प्राणी कौन उपाय करे। केड़ा उपाय किया जावे कि मालक की प्राप्ति हो जावे। कोई कर्म कोई धर्म ये सामने आउंदा नहीं। फिर असी केड़े कर्मां दी गल करदे हां? देखो अगले हफ्ते दिवाली आ रही है, अज सोमवार है, आउंदे सोमवार दिवाली है। हुण लोग जिन्ने भी संसार दे लोग ने वो सारे कर्म धर्म दे विच लगे ने। कोई लक्ष्मी की पूजा कर रहा है, कोई भगवान कृष्ण की पूजा की तैयारी कर रहा है, कोई देवी माता की पूजा की तैयारी कर रहा है, कोई श्री राधे की पूजा करन लग्या होया, कोई जय श्री कृष्ण की पूजा करता है, कोई जय श्री राम की पूजा कर रहा है। हर एक अपने अपने ढंग नाल उस परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। मैं नहीं कहती कोई गलत है, जिमें किसी के मन में संतोख आता है वह करता है, लेकिन जे तुम कहो ये पूजा करन दे नाल असी परमात्मा नूं मिल जावांगे या परमात्मा सानू मिल जाएगा, यह भी संभावना नहीं। क्योंकि असी जिन्ने भी धर्म संसार दे विच चल रहे ने, बहुत विधि धर्म ने रूपीए करता दिशा है सब लोए, सारी सृष्टि के अंदर सब कुछ करन वाले ये लोग जड़े ने वो बैठे ने। राम की पूजा करन वाला कोई एक नहीं, हजारा लखा करोड़ा हैं। कृष्ण की पूजा करन वाला कोई एक नहीं, अरबा खरबा हैं। इस तरह होर जिन्हें भी धर्म हैं, पांच ककारा दे धारनी जड़े हैं सिंह, वो भी अनेक हैं, कोई अंत नहीं। सारे अपने अपने धर्मों के नाल रुझे हुए हैं कि मैं इस तरह परमात्मा की प्राप्ति होनी है। पर किवें होनी है? यह केवल नाम के नाल होनी है। एक कर्म कर्म ही रह जाने हैं। नाम जड़ा है वह जिन्ना चर असी याद नहीं किया, जे असी अमृत भी छकते हाँ, अमृत छकन वेले सानू पंज बाणियां दा प्रसाद जिहड़ा है, प्रसाद के रूप में बाणियां पंज बाणियां दा पाठ मिलता है। किन्ना कि कोई व्यक्ति पंज बाणियां दा पाठ करदा? कोई है? कोई नहीं। जदों असी गल मन्नी नहीं, उन्हां पंज सिंघां दी गल नहीं मन्नी, फिर असी किस चीज़ की प्राप्ति, किहड़े धर्म की प्राप्ति करनी है? सो कहिंदे हन कि धर्म जिहड़ा है वह इन्हां गल्लां तो परे है। वह नाम की दा सिमरन ही असली धर्म है, जिहड़ा नाम दा सिमरन करदा है। असी दुनिया दे रंग वेख वेख के हुण लोग जिहड़े ने बड़े एडवरटाइजमेंट्स हो रही ने,
बड़े बाजारों के विच खड़न नूं जगह नहीं, भीड़ भड़का बड़ा होया पिया, कोई कोई चीज़ रह ना जावे जिहदी प्राप्ति तो बाद मैनूं परमेश्वर ना मिले। है तो उद्देश तो यही है कि परमात्मा मिल जावे, लेकिन उस उद्देश दे पिछे झूठ किन्ना है सच किन्ना है ये भी सानू पता है। सो इस करके सानू लोड़ है असलियत जानन दी। तो एक फकीर ने बड़ा सोहना लिखा है, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग हैं मुझको। कोई हरियां बत्तियां जगाएगा, कोई नीलियां जगाएगा, कोई पीलियां जगाएगा, लखां करोड़ा रुपया जेड़ा है इन्हां बत्तियां ते लग जाएगा, लेकिन एक रात तो बाद वही बत्तियां घंटा अद्धा घंटा ही है सारे आप अपने अंदर बैठ जाते हैं, उन्होंने बत्तियां की रौनक खत्म हो जाती है, फिर किनू जगदे, रात सारी रात जगमग हो रही है, कौन देखता है, कोई नहीं, सब सुते पे है। कहने मैनू एहो जे रंग दी लोड़ नहीं, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग है मुझको, ये रंग मैनू नहीं चाहिए, चली फिर चाहिए केड़ा रंग है, चली आऊं मैं सत्संग में तेरा दरबार काफी है, चली आऊं मैं सत्संग में तेरा दरबार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं तेरा एक प्यार काफी है, मेरे ये रिश्तेदारों ने बिछाया जाल ममता का। मिठाई खरीद रहे हैं रिश्तेदारों नूं दे रहे हैं, कोई दूर दूर दे के आउंदा है, कोई किसी दे घर आ जाता है तां आया नूं गिफ्ट कर दिता जाता है, क्यों वो कहना भी मैं तेरे नालों मैं तेनूं कुछ दे सकता हाँ, उहदे मन च ईगो है, उहदे मन च हंकार है, मेरे ये रिश्तेदारों ने बिछाया जाल ममता का, तेरे भक्तों से हो प्रीति यही परिवार काफी है, तेरे भक्तों से हो प्रीति यही परिवार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है, बाहर की फीकी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी, ये नीलियां पीलियां लाल कालियां हरियां लाइटां वेख वेख के मेरियां अखां चुंधिया गईयां, बाहर की फीकी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी, इन्हीं आंखों में हो हरदम तेरा चमकार काफी है, इन्हीं आंखों में हो हरदम तेरा चमकार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है, जगत के साज साजों ने किए ये है कान हैं बहरे, बड़े बड़े टोल टमके बजनगे, बड़े बड़े बीन बाजे बजनगे,
जगत के साज साजों ने किए ये कान है बहरे, लगूं रहूं शब्द के रस में, यही धुनकार काफी है, लगी रहूं शब्द के रस में, यही धुनकार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। परमेश्वर ते पुल्यां व्यापन सबे रोग। परमेश्वर तो जो असी दूर हो जाने ये सारे शरीरक रोग जड़े ने वो आ जाते ने। सानू पता है, पता हुंदे हुए भी असी परमेश्वर दे नेड़े नहीं जा सकते। वे मुख हो राम ते लगन जन्म वियोग। एक जन्म का वियोग नहीं, वे मुख होए राम ते लगन जन्म वियोग, जन्मा जन्मा दे वियोग लग जाते ने। असी बार बार जमदे हाँ फिर मर जाते हाँ, फिर जमदे हाँ फिर मर जाते हाँ, हर वार परमेश्वर दे नाल वियोग हुंदा जा रहा है, हर वार परमेश्वर दे नालों वियोग हुंदा जा रहा है। किड्डी वड्डी सजा है कि नहीं कि एक बार वियोग हो गया अगले बारी मिलाप हो जाएगा, क्योंकि जब असी जन्म लवेंगे फिर उही कर्म दोहरावेंगे, फिर उही कर्म चंगे मंदे करांगे। अपनी समझ हर व्यक्ति नूं बहुत वड्डी लगती है, अपनी अकल हर व्यक्ति नूं बहुत वड्डी लगती है। मैं कहनी हां लगती है, उस अकल के मुताबिक ही काम कर लो, थोड़ी बहुत दूजे की भी लै लो, क्योंकि सारी अकल साड़ी अपनी समझदार नहीं हो सकती। जे कितने दूजे की अकल असी नाल मिला लिए तो सोने ते सुहागा बन जाए। सोना भी कला काम नहीं करता, जो सुहागा वो नाल लग जाता है तो सोने ते रंगत ही होर आ जाती है। इस तरह जो असी अपनी अकल के नाल बगानी अकल में थोड़ा जहा मिला लवेंगे, थोड़ा जहा वो विचार कर लवेंगे, विद्या विचारी तपर उपकारी, जब विद्या ते विचार करांगे। विद्या केड़ी है? जड़ी दूजे दे मुखार बिन तो निकली है वह भी विद्या है, जड़ी अपने हिरदे चो निकली है वह भी विद्या है। जब दोनों नू टैली करांगे, जब दोनों नू मिलावांगे, हो सकता है सानू कोई जड़ा गुम्या होया राह है वह लभ जावे। राह तो है पर थोड़ा जिहा भटके होए आ, राह उही है। वो पटकन जड़ी है ना, पटकन छड़ लटकला इको खीवी हो सुखमाणी, होशा नालों मस्ती चंगी रख दी सदा टगाने। साढ़े मन च एक वसल का जड़ा कीड़ा है ना होना चाहिए कि मैं मालक नू मिलना है, वसल होना चाहिए मेरा जिवें मर्जी होवे। लेकिन ये असी अज तक भाई वीर सिंह ने बड़ा सुंदर लफ्जा च लिखा है, संझ पई पर छावे छुप गए क्यों इच्छा बल तू जारी। कश्मीर दे विच एक है इच्छा बल झरना है जड़ा दिन रात चलता है, उदा नाँ है इच्छा बल। संझ पई शाम का वेला हो गया, संझ पै गई पर छावें छुप गए, पर छावें उन्ना चिर ने जिन्ना चिर चानन है, पर छावें खत्म हो गए मतलब सूरज चला गया। संझ पई पर छावें छुप गए क्यों इच्छा बल तू जारी, ऐ इच्छा बल तू क्यों चल रहा है। मैं सरोध कर रही ओवें ते तुरना पी नहीं हारी, तेरा पानी ओवें आवाज़ कर रहा है ते तेरी नदी जड़ी है तेरा पानी जड़ा है वो चलन तो अजे तक थक्या नहीं। मैं सरोध कर रही ओवें ते तुरना पी नहीं हारी, सैलानी ते पंछी सारे हन सब आराम विचाए, सहम स्वादला छारिया सारे कुदरत टिक गई सारी। सैलानी जड़े आए हैं पहाड़ा दियाँ सैरां करन वास्ते वह भी कितने ना कितने टिक गए, पंछी हैं वह भी टिक कितने ना कितने टिक गए। सैलानी ते पंछी सारे हन सब आराम विचाए, सहम स्वादला छारिया सारे कुदरत टिक गई सारी। तो झरना की जवाब दिंदा है, एक जड़ चीज़ जड़ी है वह इंसान नूं सिखा रही है, वह कह रही है झरना जवाब दे रहा है कि जेड़ा व्यक्ति एक लगन दे विच लग्या होया है वह कदे भी
टिक नहीं सकता, वह कदे भी रुक नहीं सकता, क्योंकि उन्हें कहे संझ पई परछावें छुप गए को इच्छा बल तू जारी, नैस रोध कर रही हो मैं ते टुरनो पी निहारी, सैलानी ते पंछी सारे हम सब आराम विचाए, सहम स्वादला छारिया सारे कुदरत टिक गई सारी। तो झरने का जवाब है वो यो कह रहे बार बार कि बई मेरे अंदर एक लगन है, इको लगन लगी ले जाती है टोर अनंत उन्हों की, वसन ओरे मुकाम ना कोई सोचाल पे नित वहदे। तो कहने मेरी इको लगन है कि मैं उस उदे नाल मिलाप करना है। किदे नाल? सागर दे नाल। उदा जिहड़ा मिलाप है वह सागर दे नाल होना है। पहला होर आवाज़ आ रही है उहदी, फिर वह अगों जाके उहदी आवाज़ होर हो जाएगी। जिवें सानू पंज शब्द का नाम मिलिया है, पहली आवाज़ होर है, दूजी आवाज़ होर है, सचखंड चो आवाज़ आ रही है उहदी आवाज़ बड़ी तीमी मठी है, फिर वह जदों दसवें द्वार च आ जाती है भंवर गुफा च आ जाती है उहदी आवाज़ होर है, दसवें द्वार च होर है, इस तरह आवाज़ बदलती है। तो फिर सांस दल कमल जाके करकाट पैने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वह जाती है सागर च मिल जाती है। सो कहने मेरा एक उद्देश है कि वसलों उरे मुकाम ना कोई सोचाल पे नित वहदे, कि मैं वसल करके ही मुड़ना है, उदू बिना मेरा कोई टिकाणा नहीं। जदों साढ़े मन च यह ख्याल आ गया कि असी परमेशर दे नाल विसाल कायम करना है, वसल कायम करना है, असी परमेशर नूं मिल जावांगे, तो जन्म जन्म का वियोग जिहड़ा है वह खत्म हो जाएगा। खिन में है कौड़े हुए गए जितड़े माया भोग, माया दे भोग जड़े ने, माया दी जड़ी असी भुगत कर रहे हैं, हंडा रहे हैं जो माया नू, वो सानू बड़ी मिठी लगती है, लेकिन एक क्षण दे विच वो मिठास कुड़त्तन च बदल जाती है। थोड़ी जी देर दे विच तुसी ज़्यादा मिठा खा लो, थोड़ी देर च तुहाडा मूँह कड़वा हो जाएगा, तुसी ज़्यादा कड़वा खा लो, थोड़ी देर च तुहाडा मूँह होर भी कौड़ा हो जाएगा। मतलब ये माया दे भोग जड़े ने वो क्षण मात्र ने, क्षण दे विच ही कौड़े हो जाते हैं, जिन्हां दी खातर संसार तुरिया फिरदा है। विच ना कोई कर सके किस थे रोवे रोज, हुण अपना दुख रोज किनू सुनाओगे, या आपा मैं भी विच किनू सुनावांगी, मैं रोज कोई मेरी विचोलगी नहीं करेगा। एक दिन तुसी किसे कोल दुख रोवोंगे, जेड़ा पहले दिन जिस भावना नाल वो सुनेगा, दूजे दिन वो भावना नाल तुहाडा दुख नहीं सुनदा, तीजे दिन तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा, क्यों कहिंदा तो रोज दा ही इहदा तो यही रोना, इहदे कोल तो इहो गल है, होर कोई गल ही नहीं। जदों आओ मेरा मुंडा मेरे आखे नहीं लगता, जदों आओ मेरे पैसे का कोई साधन नहीं बनता, मेरी दुकान पर गाहक नहीं पैंदा, वह उन्हूं आउंदिया वेख के ही ना पहले ही टल जाता भी ये तो इहो ही सवाल पाएगा, किसे रोवे रोज विच ना कोई कर सके, कोई विचोलगी नहीं कर सकता, फिर रोज रोज किदे कोल रोएगा तू। असी यही सोचते हैं ना भी असी सतगुर को जावांगे, जाके आपका दुख सुना लवेंगे, सतगुर दयालु ने वो साड़ी गल सुन लैणगे, बिल्कुल दयालु ने बिल्कुल सुन लैणगे, पर तैनू भी तो सतगुर के मुताबिक चलना पेगा, एवें एवें उत्तों उत्तों तेरी कोई विचोलगी नहीं कर सकता, तैनू भी सतगुर का हुक्म जिहड़ा है वह मनना पेगा। इत्थे जदों असी आ जावांगे तो साडा बेड़ा पार हो जाएगा। इस करके खाली विचोलगी जिहड़ी है, खाली सतगुर दे नाल रिश्ता गंढ लेना ते अपने कम्मां ते उत्थे ही रुके रहना, ये गल जिहड़ी है कोई बहुती वधिया नहीं। सानू सतगुर दे नाल प्यार पाउणा चाहीदा है, सतगुर दी विचोलगी होर कोई संसार ते होर नहीं कर सकदा, पर तां होएगी जे असी दिलों सतगुर दे हो जावांगे। कीता किछु ना होई लिखिया तोर संजोग, साडा कीता होया कुछ नहीं होना, क्योंकि जो विधि लिखा लिलार हमरे को न मेटनहार, रामायण च लिखा है जो लिलार दे विच जो मत्थे दे विच मालक ने लिख के भेज दिता तोर संजोग बना दिता, वह भी रहना है वह बदलना नहीं। जे राजा दशरथ आया, दशरथ का संसार तो कूच होया, वह संजोग लिखा सी,
कि तू इस तरह जड़ा किसे नू श्राप दे के मार के श्राप ग्रहण किया है, उस श्राप का फल तो तेन भोगना ही पैना, वह भुगतान करना ही पेगा। सो भुगत्या उसने, उन्हें भुगत्या, भावें वह भांजा सी या जो भी सी, श्रवण कुमार नू मारन तो बाद मूँह चो निकले हुए बोल जड़े ने वो मत्थे की तकदीर बन गए, तो मत्थे की तकदीर भुगत के ही वह गुजारा होया। सो ये वड्डे 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 हार के चले पता नहीं तेरी खेलदा, ऋषि मुनि हार के चले पता नहीं तेरी खेलदा, हार चले रावण जैसे राजे, लक्ष्मी खलोती रही दरवाजे, आ गए निकाल दे थले पता नहीं तेरी खेलदा। रावण क्यों हार सकता सी, क्योंकि वह तो बहुत वड्डा सी, उन्हें तो काल नू पावे नाल बन्या होया सी। नहीं, लखां करोड़ां तू कीतियां कमाईयां, अंत समय तेरे काम ना आईयां, चले ने झाड़ के पल्ले पता नहीं तेरी खेलदा। वो अखीर पल्ले झाड़ के चले जाते ने, नहीं झाड़दा दूजे झाड़ लेंदे ने, चले ने झाड़ के पल्ले पता नहीं तेरी खेलदा, ऋषि मुनि हार के चले पता नहीं तेरी खेलदा। एवें नहीं किसी ने लिखा है, तियां पुत्र तेरे दोते पोते, अंत समय तेरे खोल कोल खलोते, चले मुसाफर कले पता नहीं तेरी खेलदा। वो तो मुसाफर कले ही जा रहा, भावें जिन्ना मर्जी संसार बुला लो। बड़े बड़े देखे हैं कि बहुत महान हस्तियां जो संसार तो जांदियां ने, भाई उत्थे फिर कठ का कोई अंत नहीं रह जाता, है तो कुछ नहीं हुंदा उत्थे, लेकिन एक रसम एक शौहरत जड़ी है दुनिया की खट्टन वास्ते, उनू की फर्क पिया, जड़ा जा रहा उनू कोई फर्क नहीं पिया, चले मुसाफर कले पता नहीं तेरी खेलदा। सो ये है जिदे साडे च माण है, वड्याई है, किस्मत दी एक भुलेखा है कि मैं बहुत चंगी किस्मत लिखा के लाया हाँ। ये किस्मत दिया जड़िया हंकार दिया वड्याईया जड़िया ने, यह सानू संसार ते छड़ देनिया चाहिए ने, ता मालक मिलता है। ये मालक नू मिलन वास्ते ये त्याग करना पेगा, फिर ही परमेश्वर सानू मिलेगा। वड भागी मेरा प्रभ मिले, उतरे सब वियोग। कहिंदे वी योग तां हो गया, पर जे किते वड्डे भागां दे नाल मेरा प्रभु मिल जावे तां इह सारा वियोग जिहड़ा है उह लै जाएगा। वियोग कहदा रहा जदों परमेश्वर मिल गया, जद परमेश्वर दा मिलाप हो गया वियोग खत्म हो गया। बस उन्ना चिर ही वियोग है जिन्ना चिर परमेश्वर मिलिया नहीं। उतरे सब वियोग, नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहेब बंदी मोच। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहेब बंदी मोच। हे मेरे साहेब बंदी मोच, बंदिया नू मुक्त कराउन वाला। छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी, जिन्होंने 52 राजां नूं भी मुक्त करा के आप मुक्त होए सन, ये एक बंदी मोच की सब तो वड्डी उदाहरण है। संसार दे विच कोई ऐसे महापुरश नहीं होए जिन्होंने नाल 52 गुणा होर राजां नूं छडवाया ते फिर बंदी मोच अखवाए। सो ये मेरे साहेब बंदी मोच, मेरा साहेब बंदी मोच है। जिन्हें भी ओदी नज़र च कैदी हैं, बंदी हुए हुए व्यक्ति हैं, वह सारियां नू छुड़वा दिंदा है, वह सारियां नू मुक्त करा दिंदा है। ये मेरे साहेब दी वड्याई है। हे सच्चे पातशाह मैनू भी रख लो, नानक को प्रभ राख लियो। हे सच्चे पातशाह मैनू भी रख लो, तेरा नाम बड़ा वड्डा है, तू बंदी मोच है, तू बंदी मोच है, तू मैनू भी रख लै। सो किड्डी वधिया गल है, वो जे असी उनू जिस नाम दे नाल याद करांगे उस नाम दे नाल ही वह प्रगट हो जाएगा। जिस नाम दे नाल, जिस भावना दे नाल असी याद करांगे, पैसे वास्ते याद करोगे वह पैसे मायाधारी होकर आ जाएगा, किला तो पैसे मंगया ना होर की। जे तुसी बंदी मोज कह के याद करोगे थोनू संसार सागर तो पार लै जाएगा। तेरे अंदर दृढ़ विश्वास चाहिदा है, जिन्ना चिर तेरे अंदर विश्वास कायम नहीं होया उन्ना चिर तू ना बंदी मुक्त होना है। बंदी मोच तेरे सामने खड़े हैं, लेकिन तू
ਕਹਿ ਨਾ ਬੰਦੀ ਜਨ ਦੇ ਹਲੂਏ ਨਾਲੋਂ ਟੁਕੜੇ ਭਰੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਜਨ ਹੋ ਕੇ ਹਲਵਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਉਸ ਹਲਵੇ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮੋਚ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਕਤਕ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਸੋਚ। ਕਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਫਿਕਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕੱਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਂ ਬਿਨਸੇ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੱਤ ਕੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਈਏ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ, ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।